इहे में धिया पुता हो जात होई। अगर तोरा जात में ऑपरेशन नहीं है छो तो कम से कम एक ट्रैक्टर माटी गिरे। माटी वाला बात ना हो, जगह बता दी सौठी गिरा। अच्छा ठीक है हे। अरे उठा 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 ए छोरा रे तारी मां। अरे इने एक टॉप गिराइस घूम जाए। हाँ हाँ घूम गए। तकर बाद जात 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 तो हम जाते रहो तनियारो जात है कथि जाते तनी टेटार भ दे तो रास्ता भुला दे। आगा में जाके डेरा दे दे। हां अच्छा ठीक है। ए नखवा अच्छे रह ठीक रही कर गए बुझनू छे। आगा 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 इने सुन इने सुन आगा। अच्छा तू आ रेवटी में क्या बजे सुत रहे तो हमी। हाँ, 9 बजे रात में सुत है का मतलब आता जलती गिरैबा आता लटबा रे आता मेला में रहिला सनरे मेला में रही राउटी रे चला दे बरा मेला पीछे आ जल्दी
चला तेरा मेरा बीचे कुछ तेरा बचा नहीं है तेरा मेला की आवाज सुन रही हो क्या? मैं तो आवाज नहीं सुनी क्या? आवाज मेरी लगा साला सुन रही हो? हाँ देवर जी, अब तो मेरी कानों में आवाज आ चुकी है। मेरे पान मेरी टटका सिगरेट मुटका पान मेरी टटका सिगरेट मुटका पान मेरी लगा साला या या अरे कमाल लीजिए भाभी सुना। हाँ देवर जी, क्या तो सुनने गए थे भाई उधर जान मेरा से 3 किलोमीटर पीछे तुम्हारे पास 12 बीघा का छोटा तमकुना है, तमकुना लगा देना, उसके बाद आगे बढ़ना। इसलिए मैं सबसे पहले 12 बीघा का छोटा तमकुना है उसे लगा देता हूँ। जैसी आज्ञा देवर जी। विधायक छोटा तमकुना का छोटा तो घूमना लगा दिया हूँ। क्या आप मेली के अंदर रोटी? हाँ, अरे एक बात सुनो। क्या देवर जी? और ये देख रही हो इस शिव गंगा की धार बह रही है और सबसे पहले तुम शो और इस बहती हुई गंगा की धार में स्नान कर लेना। ठीक है देवर जी, अगर मैं स्नान कर लूंगी तो क्या आप भी स्नान कर लीजिएगा ना? नहीं, रुद्र सिंह बहती हुई धार में स्नान नहीं करता है, रुद्र सिंह खून की धार में स्नान करता है। ठीक है, जैसी आज्ञा देवर जी, मैं तो गंगा स्नान कर लूंगा। ठीक है, जल्दी करो। आ रही हो तो सहाई है कमला मां आराम आई रानी सो आज जुगे नमा माता ले बहे तोहार आहे रही हो साही दे बता स्नान कर चुकी हूँ भाभी। देवर जी, मैं तो आपकी बात मान चुकी हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात को मान लीजिए ना देवर जी। क्या क्या कहना चाहती हो देवर जी? अगर आप गंगा स्नान करते हैं
तो आप कितना नारी को विधवा बनाए हैं, ये सारे पाप धुल जाएंगे देवर जी। भाभी सुनो, मैंने कहा कि मैं बहती हुई धार में स्नान नहीं करता हूँ, मैं जब भी स्नान करता हूँ तो खून की धारा में। ठीक चलो, स्नान कर चुके हो, अब ये बारह बीघा का छोटा तमकना है, उसमें जाकर तुम अपनी नामी नामी बाल को सुखाओ, और कब तक मैं मित्रगढ़ का मेला का शेयर करके आता हूँ। हाँ हाँ देवर जी, अगर आपकी जो पसंद आ जाए वो मेरे लिए लेते आइएगा ना। ठीक है, जाओ, मैं कुछ देर के लिए विश्राम कर लेती हूँ, लेकर आऊंगा, जाओ। ठीक है देवर जी। तनबीरी ले रे साला, लाखन जय, तुमने एक आपनों किला में पत्र दिया लेकिन राज जिन्होंबा नहीं दिया। आज मैं तुम्हारा मेला का करीब आ चुका हूँ, आज मैं तुम्हारा मेला का लूट लिया, तो मेरा नाम लूट सिंह में आ रहा हूँ लाखन जय। अब घोरी रबिया बाबू जो हो बाबूजी हो सुनला है अचानक हवा भैया सुनला बात हमार चलो हाथ जो बतियाला बतियाला बता साले शहजादे लोग क्या बेच रहे हो, क्या हमें मेले छे तो बहुत कुछ बेचे छे, सुतल का ले उठल का ले छीलो गीलो कोई ले, क्या बेच रहे हो इसमें, कोई ले कोई ले। लगता है तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है, हरम ज्यादा कहीं का, सही से बोलो क्या बेच रहे हो उसमें। इसमें बहुत सामान बेचे छी, क्या है आज ये छै ने 30 गो बिल्डिंग जे छै ने 30 30 मंदिर के छै, ओहिमे होटल खोलने छी। अच्छा, आ बाहर में पान का दुकान खोलने छी, पान का दुकान है। ठीक है, तो एक खिली हमें पान खिलाओ, एगो पान का 5 रुपया लागतो। आइए दोस्तों, इंद्र कुमार जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है, मेरी कंपनी की ओर से नमस्कार। पान देबो 5 रुपया लागतो, जर्दा उर्दा ऊपर से लागतो। ठीक है, एक खिली लगाओ। ठीक है, पान दबा हुए में चुना नहीं दबा, चुना दबा 5 रुपया ऊपर से लगा। तुम्हारा पान में दाम अलग से लगता है, आज तोरी जना हम बेचे ते लिए। ठीक है, एक खिली लगाओ। तो पान में चुना लगा दबा, कथा नहीं दबा, कथा दबा 5 रुपया ऊपर से लगा। इसका मतलब 5 रुपया तुम्हारा पान का दाम बढ़ते जाएगा, एकदम बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक खिली लगाओ। ठीक है, पान लगा के दाइए दियो, एक खिली लगाओ। अच्छा ठीक है, पान लगा के दे दियो। एक काम करो, तुम ऐसे समझने वाला नहीं हो, ये तुम अपना पूरा दुकान का दाम बताओ कितना है। बढ़ गए पूरा दुकान का दाम। हाँ, पूरा दुकान का दाम बताओ। एक बात जान लो, हमारा अपने दुकान नहीं छे, हमें लिए दोनों पराने दुकान लेके दुकान लेकर आया है ना, तो मैं तुम्हारा ये दुकान सहित खरीद लूंगा। तो हम हमार परानी हो जाए। हाँ, पूछ लो है तो पूछो, पूछ लो। अच्छा, गए गए हबरी इन्हें
हे कठौती पुरवाली इने अब अति कलियो की एगो लय ले ले है सामान आर के सामान सामान हमरा लते त हम दे देबे तो दमही ए ई कटघोरा छै बेच लो किए बहुत छै बाल बच्चा हां ओहे त हम भूखे सब मरै छै जल्दी बेच हे हमार बड़की कन्या सलिया हे तुम अपना पूछ लिया घरवाली से आज तोरी एगो आरो छै हमें कोनो एगो एक से पूछना है दूसरा से नहीं हमें तो कामे खोलने छिए बियाह तो इसका दाम बताओ कितना है खाली एकरे हां हमें सबके मिला के एकबेर कहे हम तुमको खरीदेंगे उसके बाद आगे छोड़ो कितना दाम है उसका अच्छा ठीक है छै त एकर दाम भ दे तो कलम कॉपी लाबो तो दू मसन दू गले त चल भ गेले 42 17 मसन 18 गेले त भ गेले 35 दू गो उने गेले दू गो इने गेले पद्मी भाई बीच में त कुछो ने चार गो पर चार गो चढ़ल छे 6 गो पर दू गो चढ़ल छे ई बरगा है दुगो जायत 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 क्या कर रहे हो जादो हम कनिया रो बेहुदा कही का तुम कहा मैं हिसाब करता हूं अरे हिसाबे दे चल जे गेल है ओकरे मांगे रहलिए हां भ गेलो है एकदम दाम हमार पूरा छ आई दुकान के दाम लागत 67 व्यवस्था है अब हम तो कही का हमारा ते नहीं हिसाब तुम कौन सी जिला का रहने वाले हो आइए भैया इंदल कुमार जी खुदावंदपुर के रहने वाले हैं दुकान खरीदने के लिए 11 रुपए दिए हैं मेरी कंपनी की ओर से नमस्कार की कहा कौन सा जिला का रहने वाले हैं हमर जिला पड़े छे भोजपुर उहे से भोजपुरिया भाषा में कह रही है अच्छा इसका मतलब तुम्हारा कहना हुआ 67 या 68 रुपया हां 6 गो पर 6 चढ़ो में रहे छे अच्छा ठीक है चलो ये दुकान दो अच्छा ठीक है ओकरो लबो हां पहले तुम अपना दो पैसा लबो हके हके आही तोरो ले ए दुकान दुकान वाली तुम क्या बेच रही हो क्या बात है क्या बेचती हो ये बनारस की चुनरी है इसका दाम कितना है ये 500 का है ठीक है ये चुनरी दो मैं पैसा तुम्हें अभी देता हूं नहीं कटा मैं पैसे अभी देता हूं बैठ जाओ ये कपड़ा पे देती है ए दुकान वाली तुम क्या बेचती हो ठीक है नहीं है आगे जल ही जल को हां अपने जगह पर जाकर बैठो बोलो तुम क्या बेच रही हो आम बेचती हो नहीं नहीं ई महीनवारी का सामान बेचै छै मनिहारी के मनिहारी बैग बेच रही है इसका दाम कितना है 500 500 रुपया जी ठीक है पहले पैसा दो ना अरे पहले सामान दोगी तब तो पैसा लोगे अरे बढ़िया सामान से तनी बेसी दाम लगे छै ए एकरा दुकान वाली इधर देखो क्या बात है तुम क्या बेच रही हो पानी का बोतल लेना है आपका पानी की बोतल बेच रही हूँ इना कहीं से लूट निकली हमरा बनारस की चुंदरी इसका दाम कितना है कहाँ दाम है बेस 1100 रुपया है 1100 ठीक है तो क्या चीज है इस चुंदरी का हाँ इसका 20 रुपया दे रहा हूँ बैठो आगे ललका हो गए सुनो दुकान वाली तुम क्या बेच रही मैं ऐना का घी बेचती हूँ ये अगना हम बेचते हैं ऐना का घी बेचती हूँ हाँ। इसका दाम कितना है 200 रुपया 200 ठीक है पहले पैसे लाओ अरे अभी देता हूँ बैठ आगे दल का हो गए आगे सामान बेच ले इस पैसा ले ली ना ये कहाँ दल के ना आगे दल का हो गए हाँ हाँ अभी तुरंत दे रहा हूँ पैसा लेना है पैसा लेने जल्दी जल्दी ले पैसा आ गए तोरा नहीं दल का हो गए कहां हमरा दल का पैसा रे बपटूरा तू एन कली सब सामान दे दे ये केरा पैसा लेबे आगे तोरा के सब ले लल तो तोरा नहीं दल को नहीं दल को
पैसा ला। अरे अभी थोड़ा सामान खरीदा है, जो पैसा लान के तब हम थापरे आते। देखो कैश नहीं, पैसा लाना, पैसा लेना है, ठीक है दे रहा हूँ, लान पैसा लाना। अरे सामान क्या है ये तो बाबा, आ तू करे ना रबारे, अरे मेला अमे तोरा यहाँ पे बुला रहे हैं। शबान का काम लेगा, आज तक मैंने किसी को शबान का काम नहीं दिया। अब मैं मेला का ऐश कर चुका हूं, अब मैं भाभी के पास चलता हूं। हाँ देवर जी, भविष्णा मैं मेला से घूम कर चला आया हूँ। क्या आप मेले से घूम कर आ गए? हाँ भाभी, मेरे लिए आप क्या क्या खरीद के लाए हैं? मैं बहुत सारा सामान खरीद कर लाया हूँ। अच्छा, रोटी के अंदर रख दिया, तुम देख लेना जा करके। जैसी आज्ञा स्वामी जी। अब तो अब चलो, अब यहाँ से अपनी राज की ओर लौट चलते हैं। ठीक है, चलिए ना। चलो चलो बात है देवर जी, मैं आपसे एक बात कहने के लिए चाहती हूँ। अब कौन ऐसा बात बचा हुआ है? मैं कहूँ अगर सुना। आहो लगला सबाहो जब मिठुर गण में भाभी सो होना आहो लागल लीला सबाते पर हो गोधना के या आहो सुतर गोधनवा दे पर हो। हाँ देवर जी, इधर अब तुम्हें कौन ऐसा लीला बचा हुआ है? बस यही लालसा है जो आप मेरी बाहों पे सुंदर सा एक गोदना गोदवा दीजिए ना। गोदना गोदवाना है? हाँ देवर जी, ऐसा खोल कर कहो। ठीक है, तुम रोटी के अंदर बैठो और मैं गोदना गोदने वाली को ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है,